मंदसौर जिले के एक शासकीय स्कूल के खेल मैदान पर ही भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। एक तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो प्रशासनिक लापरवाही को खुलकर बयां करते हैं। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में शासकीय स्कूल के खेल मैदान की भूमि पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। लोग इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य भरत सिंह मंगोलिया और सरपंच ब्रजराज सिंह ने अपनी बात रखी और कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। जो खेल मैदान हाई सेकेंडरी स्कूल का है, वो खेल मैदान अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए और कलेक्टर महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मुक्त जो अभी शासन की मुहिम चल रही है कि शासकीय जमीनों को मुक्त किया जाए, ऐसे खेल मैदान को मुक्त कराकर हाई सेकेंडरी स्कूल को सुपुर्द किया जाए और हाई सेकेंडरी स्कूल यदि उसकी बाउंड्री बना दो ग्राम पंचायत के सुपुर्द किया जाए, जिससे बच्चों को खेलने के लिए मैदान बना दिया जाए और उसको अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसकी तार फेंसिंग कर दी जाए। ये विद्यालय जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, इस परिसर में तो कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इस विद्यालय के नाम से यहाँ गांव के आबाखेड़ी वाले रास्ते पर रतन जी का बाग करके है, वहाँ पर 4 बीघा जमीन विद्यालय के नाम की है। ये मैंने भी पहले जो प्राचार्य थे और यहाँ का जो रिकॉर्ड है उनके द्वारा मैंने सुना है। वहाँ पर अतिक्रमण है कि नहीं है ये मैंने देखा नहीं, लेकिन विद्यालय के नाम की वहाँ पर 4 बीघा जमीन है रतन जी के बाग के पास में। तो ये जो पटवारी है या राजस्व विभाग वाले हैं उनको देख करके और उनकी नप्पी करवा करके और देखना चाहिए कि कहीं अतिक्रमण तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम प्रयास करेंगे कि उसकी वायर फेंसिंग करवा के और स्कूल के नाम से उसको कवर कर लेंगे।